बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय। आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की पावन जन्मस्थली, ये पावन टंकारा की माटी जहाँ पर कभी हमारे गुरुदेव महर्षि दयानंद जी महाराज ने क्रीड़ा की होंगी, ये पावन डेमी नदी का किनारा जहाँ पर हमारे आचार्य प्रवर महर्षि दयानंद जी महाराज ने अनेक बार इसमें जल क्रीड़ा की होगी, स्नान किया होगा पावन डेमी नदी के अंदर, तो उन्हीं के ही 200वें जन्मोत्सव पर हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा अनेक प्रकार की जो आर्य समाज की संस्थाएं हैं उनके द्वारा बहुत भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस पावन भूमि में, गुजरात के पावन भूमि में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। ये उन्हीं का पैतृक गाँव है टंकारा, और टंकारा नगर यहाँ से थोड़ा सा 2 किलोमीटर हट करके है, वहाँ उनका पैतृक निवास भी है। उस पैतृक निवास पर इतना बड़ा स्थान नहीं था कि इतना बड़ा बहुत बड़ा भव्य महासम्मेलन जहाँ लाखों लोग आ सकें, इतना बड़ा कोई स्थान नहीं था। तो हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे आदरणीय श्री विनय जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। यहाँ बहुत बड़ा फील्ड लिया गया है, और जो उनके पिताजी थे करशन जी तिवारी, जिनके आंगन में कभी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज खेले होंगे, तो वो करशन जी का आंगन गाँव से उठा करके यहाँ लेकर के आए। आप देख रहे हैं कितना भव्य आकर्षक गेट यहाँ पर बनाया गया है करशन जी के आंगन के नाम से। तो यहाँ स्वामी दयानंद जी महाराज का जन्म 1824 में हुआ था, अब 2024 चल रही है, और मेरे गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज को ये 200 साल हो रहे हैं। तो उनको स्मरण करने के लिए इस पावन स्थान पर हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हिंदुत्व के बहुत बड़े ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश पटेल जी, और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिन्होंने कल विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ऐसे हमारे गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य श्री देवव्रत जी और हमारे अनेक आर्य नेताओं के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम बहुत बुलंदियों तक पहुंच रहा है। आप टीवी कवरेजेस की देख रहे हैं, हमारे साथ में हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी जो आर्य समाज मिशन के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल चलता है, वो भी इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं। हमारा धर्मयुद्ध चैनल है, आर्य संदेश टीवी चैनल है, बहुत सारे चैनल इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारित भी कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ का जो नजारा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत, देख करके एकदम हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि इतने कम समय में, लगभग 2 महीने के समय में इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम भी हो सकता है, ये वास्तव में एक अकल्पनीय बात है। तो इसके लिए हमारे आदरणीय श्री विनय जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने ऐसा अद्भुत काम करके दिखा दिया जो सदियों इसको याद रखा जाएगा, एक नया इतिहास यहाँ पर बन गया है। कभी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का शताब्दी वर्ष मथुरा की पावन धरती पर बनाया गया था, और 100 साल पहले जो कार्यक्रम हुआ था वो भी पूरे देश और दुनिया में विख्यात कार्यक्रम हुआ था, और आज वो 200वां वर्ष उन्हीं की जन्मभूमि टंकारा में हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र जी जो दिल्ली से पहुंचे, और बहुत बड़ी व्यवस्था यातायात की, कितना बड़ा प्रबंधन आप देख रहे हैं, देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्था हमारी वीरेंद्र जी संभाल रहे हैं। तो देश के कोने कोने से जिनके अंदर ऋषि दयानंद की जो आग जल रही है, वो ऋषि दयानंद का दीवाना अपने आप को रोक नहीं पाया, और अपने गुरुवर को स्मरण करने के लिए टंकारा की पावन धरती की तरफ वो दौड़ पड़ा। तो हमारे वीरेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां जहां तक भी कैमरा दिखाएंगे, वहां वहां देश दुनिया से ऋषि दयानंद के सेनानी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए, आर्यजनों के लिए बड़ा गर्व का क्षण है कि इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, और देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, वो हमारे चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल देखें, और वहाँ अनुभव करें ऋषि दयानंद के कार्यों को, ऋषि दयानंद की कृपा को। देखा न कोई दूजा ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, वास्तव में उस ऋषि जैसा महापुरुष दुनिया में कोई आया ही नहीं। ऋषि तो निराले थे, अद्भुत महापुरुष। तो आइए, आप ये देख रहे हैं सामने, जैसे ही हमने करशन जी के आंगन से अंदर प्रवेश किया,
चारों तरफ प्रशासनिक कार्यालय बने हुए हैं और जो हमारा पहला चौक है वो नमस्ते चौक है और इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नमस्ते हम सभी का एक वैज्ञानिक अभिवादन है। आज हमारे देश में हर एक जाति का हर एक वर्ग का अपना अलग अभिवादन बन चुका है, लेकिन सबसे जो वैज्ञानिक और सबसे प्रामाणिक अभिवादन जो पूरी दुनिया जिस अभिवादन को मानती है, और आपने कोरोना काल को देखा है, इस कोरोना कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के अभिवादन की परंपरा होती थी। कोई हक करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, लेकिन दुनिया लौट करके नमस्ते जी पर आ गई। और हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति जब पहुंचे थे तो हमारे मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप कहकर के उनका अभिवादन किया था। तो नमस्ते अभिवादन दुनिया को किसने दिया, ये एक रहस्य की बात मैं आपको बता देता हूं। हम सभी लोगों का जो वैदिक अभिवादन था, वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, तो वैदिक अभिवादन, वेद में जो हम सनातनी लोगों का अभिवादन बताया गया वो नमस्ते जी था। और ये नमस्ते जी का अभिवादन दुनिया को देने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ तो वो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज। एक वेद मंत्र की छोटी सी पंक्ति को एक विश्व पटल पर स्थापित करने का काम युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने किया। तो ये नमस्ते जी चौक है। सबसे पहले आप सभी का वेलकम किया जा रहा है, सबका जो है स्वागत किया जा रहा है। ये भव्य आकर्षक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है और कैलाश जी कैमरा आप सामने कीजिए। सामने रेत पर बड़ी भव्य आकृति यहाँ पर बनाई गई है हमारे गुरुवर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज, जिनकी पावन 200वीं जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है। तो स्वामी जी महाराज को किसी कलाकार ने देखो उसका भी भाव है। यहाँ रेत पर ये कलाकृति बनाई गई है, बहुत अद्भुत। और यहाँ पर ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, सदैव सत्य। एक ऐसा महापुरुष धरती पर पैदा हुआ जो जब भी बोला तो सत्य बोला। उसने सत्य के साथ कभी समझौता किया ही नहीं। पूरी दुनिया ने बड़े बड़े प्रलोभन उनको दिए, लेकिन वो ऋषि कभी झुका नहीं। वो डंके की चोट पर सत्य का उद्घोषणा करते चले गए और उन्होंने दुनिया को नारा दिया कि मैं दुनिया को सत्य से जोड़ने के लिए आया हूं। तो ऐसा अद्भुत महापुरुष जिनका ये बहुत सुंदर सा एक रेत पर चित्र बनाया गया। और आप दिखाइए दूर दूर तक आप जहां भी देख पा रहे हैं, बड़ा अद्भुत नजारा है। बड़े अच्छे अच्छे कैंपस बनाए गए हैं। देखिए सामने आप मैट देख रहे हैं, क्या अद्भुत व्यवस्था है। यहाँ पर आपको एक तिनका नहीं मिलने वाला है। सफाई की, सुरक्षा की, यहाँ पर लगभग 1000 नौजवान हमारे गुजरात पुलिस के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये बहुत अद्भुत काम चल रहा है, सफाई का भी काम चल रहा है। उधर ये ऋषि दयानंद जी की आप सामने देखेंगे तो स्वामी दयानंद जी की पेंटिंग, पूरा जीवन चित्र यहाँ पर है ना। चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, चित्रों के माध्यम से, कि स्वामी जी का अपने जीवन काल में कितना बड़ा बड़ा काम किया ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने, वो कहाँ कहाँ गए। तो अच्छा हमारे जय सिंह जी, हाय हाय, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान हमारे श्री जय सिंह गहलोत जी हैं। अच्छा कोषाध्यक्ष जी, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं जोधपुर से। और हमारे आगरा से श्री वीरेंद्र कन्वर जी, यहाँ सब हमारे अपने परिचित लोग हैं, हमारी बहन है ना, हमारी माता बहन है, आर समय नजफगढ़ से है ना। वो जहाँ भी देखे सब अपना परिवार, अपना कुनबा तो बहुत बड़ा है ना। तो जोधपुर से, मतलब यहाँ केवल भारत देश से नहीं है, अमेरिका से, नेपाल से, मॉरिशस से मैं मिल रहा हूँ लोगों से, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वास्तव में ये बड़ा अद्भुत क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। ये अवसर बार बार नहीं आते, तो वास्तव में ईश्वर की विशेष कृपा हुई है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप सभी कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं, भैया थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखेंगे। और अभी हम आपको एक बहुत अद्भुत दृश्य और दिखाने वाले हैं, गुजराती संस्कृति का दर्शन भी आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर, युग प्रवर्तक, जिनकी टक्कर का दुनिया में कोई महापुरुष हुआ ही नहीं, ये दूसरा चौक है जहां पर महर्षि दयानंद जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा लगाई गई है। और स्वामी जी का जीवन वेद शास्त्रों के उन्मूलन के लिए था, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। स्वामी जी के हाथ में लेखनी भी है और कुछ लिख रहे हैं, बहुत गहन चिंता में। मेरे गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज को यहाँ पर चित्रकार के द्वारा दिखाया गया है, तो शायद स्वामी जी वेद के भाष्य का चिंतन कर रहे हों, या उनका जो अद्भुत ग्रंथ कालजयी ग्रंथ जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, वो ग्रंथ था सत्यार्थ प्रकाश, शायद स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश की कुछ पंक्तियां लिख रहे हों। तो ये महर्षि दयानंद जी महाराज का अद्भुत चित्र बनाया गया। और विशेष बात ये बता दूं, हम सनातनी लोगों के पास में आज यदि वेद बचा हुआ है तो ये ऋषि दयानंद जी महाराज की कृपा है। स्वामी दयानंद नहीं आते तो हमसे वेद भी चले जाते। तो जहां स्वामी दयानंद जी का चित्र है वहां पर वेद का होना तो बहुत जरूरी ही है।
तो आप देखेंगे सामने कैलाशी, ये हमारे जो चार वेद हैं, हमारे धर्म के जो आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। और इधर से आइए, मेरी तरफ आइए भैया, थोड़ा थोड़ा स्थान दीजिए। ये चारों वेद और वेद की जो सही नॉलेज हमको देने वाला कोई ग्रंथ है, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हम सनातनी लोगों के पास में यदि सनातन धर्म के लिए सबसे कोई प्रामाणिक पुस्तक है, जिस पुस्तक को पढ़ करके हम लोगों को सनातन धर्म से जोड़ सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, वो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये अद्भुत पुस्तक जो मेरे गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज के द्वारा लिखी गई, इसमें 14 समुल्लास हैं, और 14 समुल्लास में यानी समुल्लास यानी एक एक पाठ, उन 14 पाठों में हमारे सारे वैदिक सिद्धांतों को बताया गया है। आगे आप देखेंगे तो आगे ये संस्कार विधि, आज संस्कारों की परंपरा भारत देश से समाप्त हो रही है और हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम बड़े बेईमान हैं, कहते हैं बच्चे संस्कारी हो रहे हैं लेकिन बच्चों के संस्कार हम कराते ही नहीं। तो संस्कार कितने हैं, कब कौन सा संस्कार कराना चाहिए और उन संस्कारों का हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, ये वो पुस्तक है संस्कार विधि, जो आपको बताएगी संस्कारों की सौगात, संस्कारों का महत्व, उससे आगे चलिए आपके बच्चों का व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सब कुछ बताया व्यवहार भानु पुस्तक के अंदर। ये भी ऋषि दयानंद जी का छोटा सा ग्रंथ है, आप डर मत जाना कि इतना मोटा ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश तो उनका बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन ये व्यवहार भानु छोटी सी पुस्तक है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जिससे बच्चों को पता चले कि माता पिता के प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए और गुरु शिष्य के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, परिवार में कैसे जीना चाहिए, ये फिलॉसफी ऋषि दयानंद जी महाराज ने दिया। आगे चलिए पंच महायज्ञ विधि, ये भी ऋषि दयानंद जी का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तक पंच महायज्ञ विधि। हम सनातनी लोगों की जो प्राचीन पूजा पद्धति रही है वो यज्ञ रहा है, तो हमारे यज्ञ कितने हैं, वो 5 यज्ञ हैं। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलिवेश देव यज्ञ, फिर अतिथि यज्ञ। तो हम सनातनी लोग जब तक अपनी प्राचीन पूजा पाठ से जुड़े रहे, इन पंच महायज्ञ विधि के अनुसार जब हमारी पूजा पाठ रही, हमारे परिवार मंदिर थे, हमारे परिवारों में रहने वाले लोग देवता हुआ करते थे, जब हम वैदिक परंपरा के अनुसार चला करते थे, तो ये पुरानी प्राचीन पूजा पद्धति को हम स्थापित करेंगे ऋषि दयानंद की पुस्तक को पढ़ करके। आगे आर्योदेश रत्नमाला, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में, ये जितने भी आपने ईश्वर के बारे में सुना, धर्म के बारे में सुना, तीर्थ के बारे में सुना, अन्य चीजों के बारे में सुना, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे आर्योदेश रत्नमाला के अंदर ऋषि, जैसे माला के अंदर मन के होते हैं 108 मन के होते हैं, तो उसमें 108 परिभाषाएं ऋषि दयानंद जी महाराज ने दी है, बड़ा अद्भुत ग्रंथ। और सबसे अद्भुत ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जीवन में वेदों का नाम हम सबने सुना है, लेकिन वेदों के बारे में हम जानते नहीं कि वेद क्या है, वेद संस्कृत में लिखे गए हैं, लोगों ने वेद का सहारा लेकर के अपनी दुकानें खोली, अपनी मान्यताओं की पुष्टि लोगों ने वेद से कराई, वेद का इतना बड़ा सम्मान समाज के अंदर है कि जहां वेद की बात आ जाती है तो हर सनातनी नतमस्तक हो जाता है, बोले वेद में है ऐसा तब तो बिल्कुल ठीक होगा, तो वेद का लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं आजकल, तो वेद में क्या है, आप संस्कृत नहीं जानते कोई चिंता की बात नहीं है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ लिखा, जैसे कोई भी राइटर जब कोई अपनी पुस्तक लिखता है तो उसमें पहले भूमिका लिखता है, पुस्तक की भूमिका पहले लिखी जाती है कि लेखक का उद्देश्य क्या है, तो हमारे चारों वेदों में क्या है, ये ऋषि दयानंद जी महाराज ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बताने का प्रयास किया। अब आइए कैलाशी आगे चलते हैं, हाँ ये सांस्कृतिक इधर से, और बहुत अच्छा एक आपको हम वो दिखाने जा रहे हैं, अद्भुत छटा। हम ऋषि दयानंद जी महाराज का जन्म गुजरात में हुआ, गुजराती संस्कृति में पल्लवित हुए, तो गुजराती संस्कृति का एक बहुत बढ़िया मूल शंकर जी की याद है, देखो 1824 का टंकारा, ये हमारा टंकारा गांव पहले कैसा था, क्या अद्भुत नजारा रहा होगा जब मेरे गुरुवर महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव इस टंकारा नगर के अंदर हुआ होगा, तो मूल शंकर जी की पुरानी यादें ये यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, देखो कैसे, तो ये उनका स्वामी जी महाराज का घर दिखाने का प्रयास किया गया है। और वास्तव में पहले ऐसे लोग रहते थे, ये अपनी ग्रामीण संस्कृति है, गुजराती संस्कृति है, आजकल तो वॉलपेपर आदि पता नहीं क्या क्या चल गया है, लेकिन पहले दीवारों की साज सज्जा के लिए ऐसी हमारी माताएं, मैंने अपने हाथ की जो कलाकार हुआ करती थी और वो ऐसी बहुत सुंदर कलाकृति करती थी, तो ये दीवारों को उस प्रकार से सजाया गया है। और देखो बहुत विशेष बात, ये सामने आप देख रहे हैं, इधर दिखाओ जी कैलाश, ये क्या, ये अलमारी है,
आजकल तो आपकी गोदरेज की अलमारी और पता नहीं क्या क्या अलमारी चल गई हैं, लेकिन ये पहले काठ की अलमारी हुआ करती थी, लकड़ी की अलमारी, कितनी भारी, और ये हर घर में मिलती थी। लोग अपने कपड़े रखते थे, अपने गहने रखते थे, और ये हिरण दिखाया गया है, पुराना हैंडपंप दिखाया गया है, ये पालना है ना, ये पालना, ऐसे बिस्तर, ये कुर्सियां, ये पुराना लुक पूरी तरह से निकाल करके रख दिया। बहुत अद्भुत छटा है यहाँ की, बहुत अद्भुत। आप लालटेन देखिएगा पहले, और रेडियो, ओहो, ये तो बहुत पुरानी यादें हमको आ गई रेडियो को देख करके। पहले विवाह होते थे तो तीन चीजें मिलती थी, घड़ी, साइकिल, रेडियो, और ये मिल जाता था तो बहुत बड़ा दहेज, सफल शादी मानी जाती थी। वो रेडियो कैसा होता था, अब तो रेडियो ही बंद हो गए, लेकिन ये सामने देख रहे हो कितना बड़ा रेडियो है ना, ये रेडियो है, ऊपर लालटेन है, और ये माता जी मठा बिलो रही है ना, हाँ, और ये देखो पालना बच्चा, और ये सारी के सारे आटा पीसने का वो दृश्य दिखाया गया है, और गेहूं की नहीं, ये जो है ज्वार की रोटी बनाई जा रही है ना, ज्वार, ज्वार मक्का का खाना, वो आदमी यदि खा ले तो स्वस्थ रहे, जीवन में कोई बीमार नहीं पड़ सकता। और देखो चूल्हे की रोटी, आज तो बड़ी दुर्लभ हो गई हम लोगों को, हमको चूल्हे की रोटी मिलती नहीं है, वो दृश्य दिखाया है, वो पूरे ग्रामीण संस्कृति को यहाँ पर जो दिखाने का प्रयास किया गया, बहुत अद्भुत छटा है। पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, और यहाँ पर ये भी अद्भुत है, ये यहाँ जड़ी बूटियां, औषधियों का दर्शन कराया गया है। वास्तव में पहले हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें आयुर्वेद की ज्ञाता हुआ करती थी, यही कारण था कि हमारे पूर्वजों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हुआ करता था। आज तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हैं, लेकिन ये देखो सारा आयुर्वेद यहाँ निकाल के रख दिया। और ये रोज रोजमर्रा की चीजें जो रसोई में काम आने वाली चीजें, हमारा वैद्यक शास्त्र बताता है कि कौन सी दाल में, कौन सी सब्जी में कौन सा संस्कार किया जाता है, छोंक दिया जाता है, ये वही तो है। हमारी दादी परदादी सभी आयुर्वेद की ज्ञाता हुआ करती थी, तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है ना। आप इस बात को जानते हैं, कढ़ी में किसका छोंक दिया जाता है, काशीफल की सब्जी में मेथी का देते हैं, किसी में जीरा का देते हैं, है ना, किसी में राई का देते हैं, किसी में अजवाइन का देते हैं, तो ये सारा आयुर्वेद है, तो वो आयुर्वेद दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। बहुत अद्भुत छटा है, यहाँ से जो आएगा वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करके जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं, आदमी को प्रेरणा मिली जाती है। ये वो महापुरुष हैं जो ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रभावित हुए, जिन्होंने अपने देश, धर्म, संस्कृति के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, अगर आर्य समाज और स्वामी दयानंद नहीं होते तो हम कभी भी हैदराबाद को भारत में विलय नहीं कर पाते। ये देश के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर शहीद भगत सिंह, इनका तो पूरा परिवार ही आर्य समाजी था, पूरा परिवार, तीन तीन पीढ़ियां। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इनके दादाजी का जज्जो पे भी संस्कार किया। आजकल बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग इन पर आक्षेप करते हैं, टिप्पणी करते हैं, भगत सिंह नास्तिक थे। अरे आर्य परिवार में पैदा हुआ बच्चा नास्तिक कैसे हो सकता है, ये सब गलत इतिहास बताया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज जो हमारे आदर्श हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। राणा प्रताप, हमारे राजस्थान की पहचान राणा प्रताप से है, उनकी तलवारों ने उन मुगलों को पानी पिला दिया था। चंद मुट्ठी पर सैनिक लेकर के राणा प्रताप अकबर से भिड़ गए, जिसके पास में 80,000 की सेना थी और राणा प्रताप के पास केवल 20,000 की सेना थी। शाम होते होते हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था, लेकिन वो सही इतिहास हमारे बच्चों को नहीं दिखाया गया। विनायक दामोदर वीर सावरकर, जिनके नाम से सरकारें बदल जाती हैं, ये वो महापुरुष है जिसको अपने जीवन में गोरे लोगों ने दो बार आजन्म कारावास की सजा सुनाई थी। तो वीर सावरकर ने कहा था, कोई बात नहीं, मैं दो बार आजीवन कारावास की सजा तो भोग लूंगा, लेकिन एक बात तो सत्य है, तुम जन्म को तो मानने लगे, क्योंकि ईसाई लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो कहते हैं, दो बार तुमने मुझे कारावास की सजा सुनाई है, तो वो वीर सावरकर जिन्होंने पूरे सागर को जो है ना तैर करके पार किया था, तो ये बहुत महापुरुष हैं, ये चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, अद्भुत छटा। आर्य समाज वो प्लेटफार्म है, वो मंच है जहां पर अपने पूर्वजों का सम्मान सुरक्षित है, अपना इतिहास सुरक्षित है, तो जहां आर्य समाज के कार्यक्रम होते हैं वहां तो राष्ट्रभक्ति आपको मिलेगी देखने में, क्योंकि हमको राष्ट्रभक्ति यदि किसी ने सिखाई है, राष्ट्र के लिए मरना मिटना यदि हमको किसी ने सिखाया है तो आर्य समाज ने सिखाया है। और आप सभी जानते हैं, इस देश को आजाद कराने में 85% से अधिक लोगों का योगदान, आर्य समाज के लोगों का योगदान रहा है। वो सभी ऋषि दयानंद के अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो आइए बहन जी, आइए एक मिनट, देखो हमारे साथ में हमारी आदरणीय बहन जी जो बहुत बड़ा गुरुकुल चला रही हैं, और इनकी जो बेटियां हैं आज वैदिक धर्म संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं।
आप द्रोणस्थली कन्या गुरुकुल चलाती हैं देहरादून के अंदर। तो बहन जी आप भी दो शब्द यहाँ आई हैं, तो आप भी हमारे दर्शकों के लिए बोल दें, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इतिहास बनेगा आने वाले, जैसे हमारे शताब्दी सम्मेलन का इतिहास कल हम उन्होंने सुना, तो ये 200वीं शताब्दी हो जाएगी, तो ये भी आगे याद रखी जाएगी। तो हमारी आदरणीय आचार्य अन्नपूर्णा जी, नाम भी इनका बहुत अच्छा अन्नपूर्णा, और वास्तव में कितने जीवन इन्होंने बनाए हैं, उनको संस्कारित किया, इनकी बेटियां आज बड़े बड़े मंचों पर जाकर के वैदिक धर्म की धुंध भी बजा रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो हमारी आदरणीय समादरणीय बहन अन्नपूर्णा जी भी इस पावन अवसर पर दो शब्द हमारे सभी श्रोताओं के लिए बोलेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। देखिए इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर है, और महर्षि देव दयानंद ने संसार को अज्ञान के अंधकार से हटाकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न किया है। आज अगर संसार दुखी है तो अज्ञानता के कारण दुखी है, अंधविश्वास के कारण दुखी है, अविद्या के कारण दुखी है, लेकिन वेदों के सच्चा ज्ञान देने के लिए और आत्मज्ञान देने के लिए, लोगों को अज्ञान की अविद्या के अंधकार से दूर करने के लिए स्वामी जी ने प्रयत्न किया, क्योंकि ज्ञान को प्रकाश के साथ तुलना किया गया और अज्ञान को अंधकार के साथ। अंधकार में व्यक्ति ठोकर खाता है और ज्ञान प्रकाश है, जीवन में उन्नति की ओर चलता है। तो इतना बड़ा जो आयोजन किया गया है, तो यहाँ पर जो संदेश है, जो विचार है, वो विश्व के कोने कोने में पहुँचेगा। किरणबंध तो विश्व मार्यम का सार्थक होगा और लोगों को एक दिशा निर्देश होगी कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। व्यक्ति कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए। अपने संसार के कल्याण के लिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमें भी जीना सीखना चाहिए। परोपकारायम इदम शरीरम। भगवान ने ये शरीर दिया केवल खा पीकर मौज मस्ती के लिए नहीं दिया, एक बार संसार से आना है, एक बार जाना भी है, लेकिन ऐसा कुछ कर्म करके जाना चाहिए और ऐसा कुछ अच्छे कर्म करके जाना चाहिए कि इतिहास भी हमें याद रखे और संसार का भी कल्याण हो। सबके अंदर आत्मा है और सब प्राणी जो हैं हमारे लिए समान होना चाहिए। एकत्व अनुपश्यतः वेद का मंत्र है, यम ते यज्ञा तनु। जैसे यज्ञ से संसार का कल्याण होता है, ऐसे हमारे जीवन से भी दूसरों का कल्याण हो, ये हमें ये यजुर्वेद का मंत्र बताता है। और स्वामी जी ने कहा, मेरा कोई हल्का मत पंथ नहीं है, आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो एक संसार के कल्याण करने के लिए संस्था बनाई गई, समाज का उत्थान के लिए ये बनाया गया था, तो ये कोई अलग मत पंथ नहीं है। बल्कि स्वामी जी कहते हैं जैमिनी से लेकर ब्रह्मा तक ऋषियों का जो मत है मेरा वही है। तो हम संसार के कल्याण के लिए, सबके उन्नति के लिए ये बनाई गई है। तो हमारा यही संदेश है कि सारा संसार के लोग सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ रहिए, पीछे। तो ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ सभी लोग पहुंच रहे हैं, पूरे देश और दुनिया के हजारों लाखों की संख्या में इस अद्भुत क्षण के लिए साक्षी बनने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और ऋषि दयानंद जी महाराज से जुड़ी जो चीजें हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये पूरा कार्यक्रम हम पूरा कवरेज करेंगे, अपने चैनलों के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो वास्तव में एक ऋषि दयानंद जिनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, उस ऋषि के बारे में जो कुछ भी बोला जाए, जितना भी बोला जाए, वो बहुत कम है, बहुत न्यून है। लेखनियों में वो दम नहीं, वो ताकत नहीं जो ऋषि का वर्णन कर सके। हमारी वाणी में वो ताकत नहीं है, हमारे पास वो शब्द नहीं है जो ऋषि के बारे में हम दम जो शब्द बोल सके। तो गिने जाए संभव है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान दयानंद स्वामी है संभव कि कैसे गिने जाएं सारे। अद्भुत महापुरुष, ऐसा कोई महापुरुष हमको संसार के इतिहास में देखने में नजर नहीं आता, तो बहुत अद्भुत नजारा है। हमारे आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी जो परोपकारिणी सभा के वरिष्ठ प्रधान हैं और आर्य समाज के बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी जो गुड़गांव से आए हैं, बड़े जुनूनी है ऋषि दयानंद के। मैं कह रहा हूँ भाई, जिनके अंदर ऋषि दयानंद की अग्नि जल रही है, वो ऋषि भक्त अपने आप को रोक नहीं पाया, वो चाहे 2000 किलोमीटर से चल करके आया, चाहे कोई 12000 किलोमीटर से चल करके आया, अपने ऋषि को स्मरण करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधान जी भी केवल दो शब्द लोगों को संदेश के रूप में आप देंगे। हम सबका ये सौभाग्य है, इस जीवन में ये हमारे लिए ये अंतिम अवसर होगा। अगली शताब्दी में हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम होंगे निश्चित बात है, क्योंकि हमने जाने वाले नहीं है,
हम तो शरीर ही तो त्यागेंगे, हम फिर आएंगे, लेकिन शरीर में ये हमारा पहला उत्सव है। हम सबका यह सौभाग्य है, परमपिता परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखे, आप वेद की ज्योति को जलाए रखें, अपने जीवन को सार्थक करें, परिवारों में अरित्व लाएं। बहुत बहुत आभार, स्वामी जी के चरणों में सचित वंदन। जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। वेद का पाठ पढ़ाने को, गुरुकुल के खुलवाने को, वैदिक प्रचार कराने को, देश आजाद कराने को, महिला सम्मान दिलाने को, गौ रक्षा करवाने को आए थे जी, आए थे। तो वास्तव में वो महर्षि जिनके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके प्रति अपनी भावांजलि व्यक्त करने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आइए, हमारे लोगों की परंपरा है, जब भी कोई विशेष काम होता है तो यहाँ यज्ञ के द्वारा हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हमारी पुरातन प्राचीन परंपरा रही है, आज भी हमारे घरों में कोई जब शुभ अवसर आता है तो सबसे पहले यज्ञ किया जाता है। हम घर बनाते हैं तब पहले यज्ञ करते हैं। कोई भी जीवन में विवाह हो, सारा का सारा हमारे पूरे संस्कार यज्ञ में है। तो जब आर्य समाज का काम चल रहा हो तो वहां यज्ञ ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में हमारे यज्ञ की प्राचीन पूजा पद्धति थी वो भी ऋषि दयानंद ने हमको बताई। यज्ञ के नाम पर इतनी भ्रांतियां समाज में चल रही थी, उन भ्रांतियों को दूर किया, यज्ञ को इतना सरल बना दिया ऋषि दयानंद ने, और आज आर्य समाज के जो है अनुसार जो यज्ञ परंपरा चलती है, दुनिया उस परंपरा को मानती है कि हाँ यज्ञ यदि करना चाहिए तो आर्य समाज की रीति से ही करना चाहिए। तो आइए, वो पावन यज्ञशाला यज्ञ, यहाँ वेदों का यज्ञ चल रहा है, तो ये सामने यज्ञशाला और ये पूरी प्राकृतिक बनाई गई है, पूरी प्राकृतिक बनाई गई है। हमारे स्वामी जी महाराज भी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। संत लोग भी अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं। तो ये यज्ञशाला, यहाँ पर हमारी गुरुकुल की बेटियां और हमारे पुरोहित सभा के सभी सम्मानित विद्वान लोग यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। तो अब आगे, आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया, जहां पर अनेक जन आंदोलनों को जन्म दिया, कुरीति अंधविश्वास ढोंग आडंबर रूढ़ियों के खिलाफ अद्भुत दृश्य है ये। उधर से देश दुनिया से बड़े बड़े यहाँ पर पत्रकार पहुंचे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट पहुंचे हैं, बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हैं। तो लोगों ने अपने भावांजलि व्यक्त करने के लिए बालू पर और कलर लेकर के मैट पर ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के चित्रों को यहाँ पर निकालने का काम किया है। और जो ऋषि दयानंद जी की पैथी थी, पंच महायज्ञ विधि आप देख रहे हैं, ये पंच महायज्ञ विधि का दृश्य है। ये वहां पर देखो, गाय हमारी संस्कृति की आधार है, गाय को दिखाया गया है। और उधर अतिथि यज्ञ है ना, अतिथि यज्ञ, पहले घरों में जब अतिथि आते थे तो कैसे हम उनका सम्मान करते थे। पितृ यज्ञ, आज तो फादर्स डे मदर्स डे लोग मनाने लग गए, लेकिन हमारी परंपरा में पितृ यज्ञ है, और वो जीवित माता पिता की पूजा का विधान हमारे शास्त्र करते हैं। पितृ यज्ञ दिखाया गया, महर्षि द्वारा दिए गए राष्ट्र कल्याण हेतु दैनिक कर्म पंच महायज्ञ। तो ये पंच महायज्ञ है ना, ब्रह्म यज्ञ है, वो सामने ब्रह्म यज्ञ दिखाइएगा कैलाशी, है ना, ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं, है ना, ब्रह्म यज्ञ। देखो, लोग तो कृष्ण जी को नहीं समझ पाते, भगवान कृष्ण भी सुबह शाम संध्या यज्ञ करते थे, तो ये ब्रह्म यज्ञ है, वो देव यज्ञ है, भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जी देव यज्ञ कर रही हैं, वो पितृ यज्ञ है, उधर अतिथि यज्ञ है, उधर बैलवेश देव यज्ञ है। और इन यज्ञों को हम, इन यज्ञों से हमको यदि किसी ने जोड़ा तो वो महापुरुष ऋषि दयानंद जी महाराज, बहुत सुंदर चित्र उनका दिखाया गया है। आगे हम चलेंगे तो ये बहुत अद्भुत कलाकृति है, जो रंगोलियों के द्वारा, आप अपने घर में कोई शुभ अवसर पर ये तो सभी करते हैं, सामने आप देखेंगे मेरे दाहिने हाथ की तरफ ऋषि दयानंद जी का जीवन चरित्र यहाँ चित्रों के माध्यम से, और उनके द्वारा स्थापित लोग जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। आज बहुत सारे देशों में आर्य समाज की शाखाएं चल रही हैं, तो उनके अनुयायियों ने जाकर के बहुत बड़ा काम किया। हमारे डीबी संस्थान, हमारे आर्य अनाथालय, दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय यदि किसी के द्वारा चलता है तो आर्य समाज के द्वारा चलता है। ऋषि दयानंद ने दुनिया का सबसे पहला अनाथालय खोला था, जब हमारे लोग, हमारे अनाथ बच्चे जब विधर्मी बन जाया करते थे
तो उनकी दर्द उनकी वेदना ऋषि दयानंद के हृदय में जागी तो स्वामी जी ने पहला अनाथालय खोला। देखो ये सब काम, ये ऋषि दयानंद जी का अंतिम चित्र दिखाया गया है। वैसे हम उधर से शुरू करते हैं, वहां बचपन से अंतिम समय का दृश्य, परमात्मा से प्रार्थना करते करते इस संसार से विदाई ले रहे हैं और ये सब उनके अनुयायी लोग उनको देख रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं के जो है ना, ये भिन्न भिन्न जीवन के पहलुओं को यहाँ पर उकेरा गया है चित्रकारों के द्वारा। बहुत अद्भुत दृश्य है ये। देखो ये जो है ना, दो घोड़ों की बग्घी को स्वामी जी ने अपने ब्रह्मचर्य के बल से रोक दिया। एक राजा थे, शायद राव करण सिंह नाम था। उन्होंने कहा, स्वामी जी ये ब्रह्मचर्य में क्या ताकत होती है, आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, ब्रह्मचर्य के अंदर तो बहुत बड़ी ताकत होती है। कहता दिखाओ तो सही, कैसे हम माने। स्वामी जी शांत रहे। जैसे राजा साहब अपनी बग्घी में बैठ करके तैयार हुए जाने के लिए, पीछे से स्वामी जी ने गाड़ी के पहिए को पकड़ लिया और पहिए को पकड़ लिया तो जो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला था, उसने घोड़े को दौड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़ पा रहे। राजा समझ गए क्या हुआ, ये क्या कोई मंत्र मार दिया मैंने सन्यासी को, ऐसा बोल दिया। पीछे मुड़ करके देखा तो स्वामी दयानंद जी ने अपने ब्रह्मचर्य के बल से गाड़ी को ऐसे जाम कर दिया कि एक इंच भी घोड़े को कितनी चाबुक मारी गई, घोड़ा नहीं आगे बढ़ पाया। ये वो अद्भुत दृश्य दिखाया गया है ऋषि दयानंद जी के ब्रह्मचर्य का। बहुत अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद जी का अद्भुत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, यहाँ लोगों को उपदेश करते हुए स्वामी जी देख रहे हैं। पाखंड खंडनी पताका, हरिद्वार के कुंभ के मेले के अंदर पाखंड खंडनी पताका ऋषि दयानंद जी ने गाड़ दी थी। उस पाखंड की नगरी में वैदिक धर्म की धुन भी बजाने के लिए वो महान प्रतापी सन्यासी पहुंच गए थे। सबसे पहले जब लोगों को वेद के बारे में स्वामी जी ने बताया, एक अद्भुत व्याख्या लेकर के स्वामी जी दुनिया में आए। स्वामी जी ने लोगों को जोड़ने का काम किया। ये उनके गुरु दंडी ब्रजानंद जी महाराज, ये अद्भुत दृश्य मथुरा का है। मथुरा में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और जब अंतिम समय आया तो कुछ मुट्ठी भर लोग स्वामी जी अपने गुरु की चरण में लेकर के समर्पित होते हैं। और जब गुरुजी से विदा मांगी तो अंध गुरु की आंख से गंगा यमुना उमड़ पड़ी। और जब ये दृश्य गुरु ने देखा तो बहुत रोए और कहा, दयानंद ये मुझे मुट्ठी भर लोग नहीं चाहिए, मुझे आपका जीवन चाहिए। आपके अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है कि आप देश और दुनिया को बदल सकते हो। यहाँ से ऋषि दयानंद अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के इस देश को बदलने का, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए प्रण लेकर के निकलते हैं और पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया। आज हम सभी पूरी दुनिया से लोग उनकी पावन जन्मभूमि टंकारा में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बहुत सुंदर, जिस भाई ने भी ये कलाकृति की है वास्तव में वो बहुत ही बधाई का पात्र है। बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। हाँ, सामने आप देख रहे हैं वो एक थिएटर बनाया गया है। वहाँ पर हमारे महापुरुषों के बारे में ऐसे चित्र चलाए जा रहे हैं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी चलचित्र के माध्यम से हमारे महापुरुषों के बारे में जान पाए। ये दृश्य और दिखाइए कैलाश जी, ये वो दृश्य दिखाया गया है जहाँ स्वामी दयानंद जी को बोध हुआ था। वो आज कल हम उस शिव मंदिर के अंदर भी गए थे जहाँ पर स्वामी जी ने शिव पीढ़ी पर वो चूहे को चढ़ते हुए देखा, उत्पात मचाते हुए देखा। तो स्वामी जी ने कहा कि ये सच्चा शिव नहीं हो सकता, ये तो हमने भगवानों को खेल बना लिया, पत्थर के भगवान बना डाले। तो वहां से स्वामी जी को शिवरात्रि के दिन बोध हुआ था। ये वो दृश्य है और ये उनकी माता जी हैं, ये उनके पिताजी हैं। तो उनके जीवन को यहाँ दिखाने का बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। तो अद्भुत दृश्य है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बनाया गया है, सजाया गया है। बड़े गर्व के साथ में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग अपने घर बैठे भी इस दृश्य को आगे तक देखते रहेंगे। ये तो कैमरे में कैद हो चुका है। हमारे कैलाश जी अपने आर्य मिशन यूट्यूब चैनल पर और हमारे धर्मयुद्ध यूट्यूब चैनल पर हमारे कन्हैयालाल जी इसको डाल देंगे, तो ये बहुत अद्भुत आपकी स्मृति रहेंगी। तो आप सभी ने ये दृश्य, अद्भुत दृश्य देखा है। और ये जो एक शुभ अवसर आया और इस अवसर को हम सभी को दिखाने वाले हमारे सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी, उनका अद्भुत मैनेजमेंट, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था और यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत लाजवाब व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े कार्यक्रम कराना बहुत कठिन कार्य होता है लेकिन हजारों लाखों लोगों की एक मैनेजमेंट बना करके रखने की विधिवत व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हमारे आदरणीय श्री विनय जी, आदरणीय आचार्य श्री देव वृद्धि, आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार जी और हमारी जो आयोजन समिति के जो भी लोग हैं, वास्तव में उन्होंने एक अद्भुत काम किया है, एक अकल्पनीय काम कर दिया है कि 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी विधिवत तैयारी करके और एक ऐसा काम करके दिखा दिया जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास बन करके रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने
ऋषि दयानंद जी के 200वें जन्मोत्सव पर इतना भव्य कार्यक्रम किया, ये इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा। मैं हमारे सभी आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से ऋषि के मिशन में लगे रहें और ऋषि की जो अंतिम इच्छा थी दुनिया में वेद का प्रचार हो, डंका बजता रहे। ऋषि दयानंद है तो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। यदि ऋषि दयानंद का प्रचार प्रसार होता रहेगा तो आपका वैदिक धर्म बच पाएगा। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व हम सभी आर्यों के कंधों पर है। तो यहाँ से जो भी आर्य लोग आए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक ऊर्जा लेकर के, एक प्रेरणा लेकर के आप सभी जाइएगा और ये मन में यहाँ से जब जाओ तो संकल्प लेकर के, विचार करते हुए कि मैं अपने गुरु की जन्मभूमि से आज जा रहा हूँ, यहाँ से एक मिसाल लेकर के जाऊंगा, एक अग्नि अपने अंदर जला करके जाऊंगा। जैसे हमारे पौराणिक भाई बंधु तीर्थों में जाते हैं, वहां से कुछ लोग लेकर के आते हैं, कुछ चीजें छोड़ करके आते हैं, हम भी यहाँ से एक ऊर्जा लेकर के जाएंगे और अपने जीवन का कोई व्यसन होगा उसको छोड़ करके जाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे, इस राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा में अपने जीवन को आहूत करेंगे। जो काम हमारे गुरु ऋषि दयानंद ने किया, हम भी उसी पथ के पथिक बनेंगे। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वेद का पाठ पढ़ाने को, गुरुकुल के खुलवाने को, महिला उद्धार कराने को, दलितों उद्धार कराने को, वैदिक संस्कृति बचाने को आए थे जी, आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद।